सत्कारयोग सात संगत जी फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समा तो बाबा जसविंदर सिंह जी का है, सो बिचों करनल साहब करके माफ़ी मांगते हैं क्योंकि ये मिलट्री मैन हैं। जदों रतवाड़ा साहब इन्होंने शुरुआत की बुजुर्गों की सेवा करन दी, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग दे नाल कीती। ते जदों पता लग्या कि हुण जो इस रूहानी मिशन नूं चलाउण वाले महान पुरश युग पुरश कर्मयोगी संत महाराज चेयरमैन विश्व गुरमत रूहानी मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट रतवाड़ा साहब वालिया ने आ नीलों खुरद विखे भाग लाए हैं। कल तो ये कह रहे सन कि उत्ते दर्शन करन जाना है। डॉक्टर बाबा सुखविंदर सिंह जी ने इन्हों कहा कि उत्थे आयो, पर इन्हों लियाउण वास्ते ही सानू कल दा ही जोर लग्या रहा। पहला तो ये पुछदे क्योंकि सिस्टम हुंदा है कि कल नू की प्रोग्राम है, किन्ने वजे है ते किन्ने वजे वापस आना है। हुण मिलटरी च यही सिखाया जाता है। सो इस करके इन्हां दा जिवें दस्या कि बजुर्गों का सत्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि रतवाड़ा साहब सेवक को सेवा बन आई। जिथे इन्हां महापुरशां ने सारे संसार दे विच इस मिशन नूं रूहानी बुलंदियों के उत्ते पहुँचाया है, क्योंकि नाम ही इसका विश्व गुरमत रूहानी मिशन है। सतपुरशां ने अपने समय के विच ही सारी बांगडोर इन्हां नूं संभाली, क्योंकि जो सेवक को सेवा बने आई। सेवा तो आप सारे ही करते हाँ, टीम वर्क है, कोई छोटा नहीं। सारे जिथे भी किसी नूं सेवा मिलती है, सेवा तो फील्ड एडा वड्डा है। जाणो धरती धर्म की सच्ची धर्मशाला, पर महापुरश जिहड़े अपने हुंदिया ही शरीर दे हुंदिया ही ये करते हैं, बाद दे विच कोई शंके नहीं रह जाते। क्योंकि सतपुरशां ने जो भी मिशन चलाया, इन्हां नूं बुलाया, ड्यूटी लाई, दरगाही ड्यूटी लगती है। सारे ड्यूटियां जिम्मेवारियां उस समय भी यही संभालते सन। आशीर्वाद महापुरशां दी बीजी दी रही है, हुण भी है। तो इस धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का सारे संसार दे विच नाम बाणी का प्रचार प्रसार इस विश्व गुरमत रूहानी मिशन वालों इन्हां दी रहनमाई हेठ बहुत ही चढ़ती कला दे विच हो रहा है। तुसीं देख ही रहे हो किन्ने जथे हैं। ये तो इत्थे जिहड़े जथे आए हैं ये तो बहुत अजे घट ही हैं कि जे गिणती करन लगीए इहदे विच ही घंटिआं वधी समां लग जांदा है। संसार दे कोने कोने दे विच हर जगह दे उत्ते सतपुरशां ने सतसंग दा प्रवाह चलाया है। ते उस प्रवाह दे विच उन्होंने ये भी दस्या कि सतसंग किवें करना है। नहीं कोई दसदा नहीं साधु, हुण नजीक खदाए दे भेत ना किसे देण, वो तो उन्होंने दयालु कृपालु सुभा ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमा वो इन्ना उन्होंने अंदर उमा आउंदा कि उन्होंने सारे भरम के पर्दे चुक दिते हैं। हुण लिटरेचर है अद्धी जिहड़ी है हुण, क्योंकि भेटा के उत्ते इन्होंने कर दिता भी लंगर ही है। 25 साल पहला जिहड़े प्रिंट होए रेट वो भी एक प्रेम भेटा कि नाम बाणी का प्रचार प्रसार सारे संसार दे विच होवे। इस इलाके दे विच बहुत साधु होए हैं,
गुरु पीरां महापुरशां दी धरती है, किन्ने इतिहास धरती है, ते जदों हुण धरती दे भाग इन्हां राही जागे हन, ते भाई सीतल सिंह जी नूं किड्डी वड्डी प्रेरणा कीती है। तो बड़ा सोहना उहनां दा निवास है, इत्थे भी बाहर भी बच्चे बड़े सैटल हो चुके हैं, पियू दादे जवेहा पोतरा परवान, इत्थे भी अगे पोतरा वकील बन जा रहा है, बच्ची असीं उत्थे दर्शन करके आए अमरीका च, डॉक्टर परवजोत कौर, क्योंकि उन्होंने महापुरशां दी असीस है, बीजी दियां असीसां दे पात्र रहे हैं, पुता माता की आसीस, निमख ना विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ते दूजी गल इन बारे पठेवाला जो महापुरशां दे निवास स्थान ते लंगर दी सेवा करदा रहा सारी जिंदगी, उसने ता जिंदगी दे विच कदे भी छुट्टी नहीं लई, कदे घर नहीं आया, सतपुरशां दे सेवा दे विच जीवन लेखे दे विच ला दिता। उन्होंने इन्हां बारे कहना कि भाई सीतल सिंह जी दे घर मेरी भैण पिप्पल माजरा उन्हां दा नगर सी, ते ओह इन्ना याद रखदा सी कि कदों इन्हां बच्चियां दे जन्मदिन ने, उहनूं बहुत एक जिवें ब्लड रिलेशन हुंदा है, इस तरह उहदी परिवारक सांझ रही है। ते हुण भी 8 फरवरी दे दिन जदों उन्हां ने शरीर त्यागिया, भाई सीतल सिंह जी ने सेवा लई कि रतवाड़ा साहब भी उन्हां दी याद विच हर अखंड पाठ एक करवाउणगे। हले साल किन्ना पिया समा, पहले ही बुक करा दिता। सो ऐसी इन्हां दे अंदर भावना है, छोटे ते छोटे नूं भी किन्ना सत्कार दिंदे हन, ते इत्थे किड्डा वड्डा ये परोपकार दा कारज इन्हां महापुरशां ने प्रेरणा कीती, क्योंकि बड़ा औखा समा आया सी जदों भाई सीतल सिंह जी दे इकलौते पुत्र बहुत ही प्यार वाले भाई परमिंदर सिंह जी अचानक सदीवी शरीरक विछोड़ा दे गए। उस समय भी इन्हां महापुरशां ने इस परिवार नूं संभालिया, क्योंकि साधुओं की यह नीयत है, बिरध की लाज रखते हैं, दुनिया तो साथ छड़ जाती है, दुख दे समय तो तुसी देखते हो, तुहाडा तजर्बा है कि सारे बिपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत नेरे। परे महापुरश किन्ने किन्ने लगातार दवान लगते, बच्चों की देख रेख करन जाते, उचेचा समा उन्हां नूं देंदे ता जो किते डोल ना जान। बड़ा औखा समा हुंदा है इकलौते पुत्र दी ऐसी अचानक वह मौत, सदीवी विछोड़ा सहना बहुत औखा है, पर फिर भी किड्डी कृपा हुई, साधु बाँह फड़दे ने, क्योंकि नानक कच्चड़ियां सिउं तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया ना जाही छोड़। इस तरह के नाल अज इन्हां ने जे 2 एकड़ जमीन इत्थे दित्ती, भाग भी किड्डे ने, 53 एकड़ च किड्डी आलीशान कोठी है। एक दिन असी आ गए इत्थे, अजे बनदा सी सीतल सिंह जी दी, क्योंकि अपने घर वांगू चले जाईदा है, असी पिछले गेट राही जदों गए कहिंदे ओ ज्ञानी जी किधर फिरदे, मैं हुण इत्थे ज्ञानी जी ओह आउणे ने जदों गुरद्वारा बन गया, कहिंदे तुसीं दस के ही नहीं आए, मगा अपने घर किहड़ा दस के आईदा हुंदा है, अतिथि बिना तिथि दसे तो। सो एक डेरा तो कह देंदे आ डड्डा डेरा ये नहीं, पर जिहड़ा डेरा जिथे असी जाना है वह महापुरशां ने एक साधन इत्थे बना दिता। हर महीने, क्योंकि इस इलाके च ये नहीं कि कोई सत्संग की घाट है, किन्ने अस्थान ने नहर के नाल नाल तो किन्ने साधु बैठे हैं, पर जिहड़े परोपकारी महापुरश हुंदे ने वो अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते, परिवार की नहीं करते, पर की देखते हैं परोपकार,
जी दान दे भगती लैन हुण किड्डे किड्डे वड्डे ऑपरेशन होए पर सतसंग तां नहीं छड्डिया जगह जगह ते पहुँच के सतसंगत कैसी जाणी ते इत्थे भी हर महीने पहुँचते ने ते जिथे बैसण साध जन सो थान सुहांदा हुण किन्ना सोहना बन गया कोठी तां पहले ही बहुत सोहनी सी भाई शीतल सिंह जी कल्ले ही बैठे होंदे अज देखिया इत्थे रौनकां क्यों लगियां क्योंकि जिथे जाए बहि मेरा सतगुरु सतगुरु जी आए किन्ने बैंड बाजे सतकार नाल नगर कीर्तन दे रूप विच संगतां ने सतगुरु जी नूं अगों है तां सतगुरु जी लैंदे ने सिख नूं जे तुसीं आपां एक कदम चलीए गुरु पीर महापुरश वल ते देखो किन्ने सतगुरु कोट पेंड आगे होए लेत है लुधियाणे दी संगत भाई बाज सिंह रवाज सिंह बड़े प्यार वाले ने यूपी उन्हें उधरों ही आए हैं इत्थे लुधियाणे रेते का काम करदे महापुरशां दे नाल इन्ना प्यार कि हर एतवार पूर्णमासी नूं तां इन्हां ने जाणा ही जाणा ट्राली ते ही इत्थों लुधियाणे तों रतवाड़ा साहब देख लो किन्नी दूर है गड्डी ते ही जाओ दो घंटे लग जांदे ने हुण तां चलो रोड बन गया टोल रोड बन गया उस समय लुधियाणे तो चलदे संगत नूं लै के रात दी रहण सवाई करदे पूर्णमासी ते पहुँचदे सो ऐसे प्रेमियां दी भावना नूं महापुरशां ने भाग लाए ये तो बहुत ही खुश होए कि चलो हुण हर महीने खूह कदे प्यासे कोल चल के नहीं आउंदा इस लुधियाणे दे इलाके दे विच महापुरश किते भी होण इस देश विच चलो प्रदेश तो आ नहीं हुंदा ये प्रोग्राम नहीं छड्डदे इत्थे दा महापुरशां दी नगरी धमोट दा एक स्थान अगे है फरीदकोट वह भी बड़ी सेवा क्योंकि रूहानी मिशन दे इस गुलदस्ते विच किन्ने टैक दे फुल हन उन्हां दे विचों ही बाबा सेवा सिंह जी हुंदे सूरवीर बचन के बली उन्होंने सीधे ही बचन करने ते ओ स्थान भी इन्हां महापुरशां नूं उन्होंने समर्पित कर दिता उन्हां दी आखरी भावना कि जदे मेरा अंतम समा आवे ये महापुरश सारी जिहड़ी मेरी अंतम प्रक्रिया है संस्कार अंतम संस्कार अपने हत्थी करन क्योंकि ये भी वड्डी गल हुंदी है महापुरश कब्रस्तान च जा रहे ने राड़ा साहब वाले ते उत्थे एक जगह ते लिखिया है कि जाने वाले मेरे लिए खुदा के आगे दुआ करता जा सतपुरशां दे कदम रुक गए जिहड़ा उस दी कबर ते लिखिया सी अखर कि दुआ करदा अरदास करदे जाओ सतपुरशां दे उत्थे हथ जुड़ गए अरदास कीती हुण बिरथी कदे ना होवी जन की अरदास प्रभ जी बसै साध की रसना किड्डी बख्शिश होगी सो ये ऐसे जिथे साधु दे चरण पै जान किड्डियां बख्शिशां रहमतां वरत जांदियां हन फिर ते ऐसे संपर्दा दे विच राड़ा साहब फिर अगे रतवाड़ा साहब फिर महापुरश भी ऐसे मिले नहीं तो पता ही नहीं लगता सानू ग्रिस्तियां दे दुख दा क्योंकि वो आप ग्रिस्त च रहे रास में राज योग में जोगी तप में तपीसर ग्रिस्त में भोगी त्याए त्याए भगतां सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया किड्डी किरपा कि उन्हां दे नाल हर खेत्र विच बीजी दा साथ रहा ते इत्थे भी क्योंकि किरपा ही हुंदी है साधु किते जांदे नहीं ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता उन्होंने तो अपने हुंदे ही ये किरपा कर दित्ती ते किड्डी बख्शिश है नाल इन्हां दे जो जीवन साथी हन हुणे असीं दर्शन कीते पूरे कैम हन नाल साथ निभा रहे हैं सो बीबियां का तो बहुत बड़ा योगदान
इस रूहानी मिशन विच रहा है। हुणे ही तुसी कीर्तन सुनदे सी बीबा जागर कौर किन्ने प्यार च रंग बन दिंदे, पंछी भी रुक जांदे। हुण बाबा जी ने कृपा करनी है क्योंकि उन्हां दीआं असीसां हन माईआं रब रजाईआं, पुत्ता माता की असीस, बीजी दी असीस मिली, दो प्रचार कैसे पैदा हो गए। हुण इह तां पढ़े भी नहीं, स्कूल भी नहीं गए, तो उधर रणजीत सिंह ग्रिस्त चो जाते मुलांपुर तो सेवा करते, वो भी प्रचार कर लग गए। सो बहुत प्यार च मैं चाहे सारा ही समय इन्हों का लै जाना। उधर कर्नल साहब ने मैं कहा कि अद्धा घंटा इतने रुकना, वापस चलो। सो ऑर्डर इज ऑर्डर, मिलटरी वालों के होंगे ने। सो कल क्योंकि असी तो सुननी आए, साडा अपना ही प्रोग्राम है, आता लाइव चलता है, असी पिछों भी सुनते ही आ रहे सी क्योंकि महापुरशां ने प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया इहदी वरतों की। यह भी राड़ा साहब महापुरशां ने बचन किए 1973 च, 1 लाख रुपया उस समय का, तो यह कहा कि प्रोजैक्टर लै लो, जीप लै लो, फिल्मां बना के प्रचार करो। उस समय तो फिल्मां बारे कोई सोचता ही नहीं सी, किड्डी वड्डी उन्हां दी सोच, यूनीवर्सल अप्रोच। तो ये फिर उस तो बाद 1995 च किड्डी कृपा हुई क्योंकि जिहड़ा भी कोई काम हुंदा, जिस जग च भी कोई नाल जीवन साथी साथ दिंदा, वह जग संपूर्ण हो जांदा है। पहले समयां च यह हुंदा सी कि जग चार चार साल अहूतियां पाई जांदे, बीबी नाल भाई दे बैठी हुंदी, तो उदों तक जदों तक शक्ति प्रगट ना हो जाती करी जाते, रब ना करे विछोड़ा हो जाता, उहदी प्रीतमा रख लैंदे सन, तो वह अग चो शक्तियां निकल दियां। पर सतगुरु जी ने पाणी चो बाणी राही किड्डी वड्डी शक्ति प्रगट कर दिती, अमृत पीवे अमृत होए। सो ये नाल मिठास माता दी भी पै गई, पतासे पाए, माँ की मिठास, जिवें हुण कर्नल साहब इन्हां महापुरशां दे बचन इस उम्र च भी याद रख रहे हैं कि माँ तो माँ ही हुंदी है। सो ऐसियां धन हन मातावां जिहड़ियां इत्थे भी सेवा करदियां ने, जिथे भी स्टाल लगदे ने, बड़ा वड्डा भंडारा खोल दिता महापुरशां ने, जिथे अद्धी भेटा ते पुस्तकां हन, 100 रुपया ही मैगजीन, कोई मैगजीन तुसीं देख लो, महापुरश भी उन्हां दी तो बहुत रिसर्च सी। प्रीत लड़ीवाद की गल करनी कि वह इन्ना कि देर छपया बंद हो गया, तो नाल उन्होंने कहना बंद क्यों हुंदा, मैटर नहीं मिलता जां इकोनमी डाउन आ जाती। इस वास्ते 100 साल का तो भाई गुरदीप सिंह जी लाइब्रेरी संभालते हैं, आत्ममार्ग चैनल चलता 24 घंटे, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, कदे भी तुसी सुन लो, मन नूं शब्द का परचा पाई रखो क्योंकि मन तो खुट रहा दौड़ता है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਆਏ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਭੇਟਾ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਘੱਟ, 100 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਏ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ 2 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ, ਫਾਰਸੀ ਸੀ ਦੂਜੀ, ਅਤੇ 200 ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਾਕਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 500 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਕੀ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਆ।
इनू पाई रखो। सो इस करके बचन इसे दिन दे रहेंगे। सो बहुता समा ले लिया क्योंकि समा महापुरशां दा ही हुंदा, बाकी तो चलो असीं तो दर्शन परसनी करते हैं। सो तुहाडा सारयां दा धन्नवाद। आओ अगला प्रोग्राम प्यार नाल सरवण करिए। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।